इन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नेक्स्ट ऑफ इज अप्रोक्सीमेशन. फॉर दैट लेट देयर इज वन फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू आर वेयर ए इज सबसेट ऑफ आर एंड लेट मी यूज y equal to fx. Okay, this one is for every x belongs to capital A. अब हम x में small change कर रहे हैं delta x. तो ये जो delta x है वो small change in x है and due to small change in x क्योंकि y equal to fx है तो अगर हम x में change करेंगे तो definitely y में change होगा. तो जो change है in y उसको symbol दे देते हैं delta y. This one is small change in y. Then delta y upon delta x. This ratio और उसमें अगर हम लिख देते हैं limit delta x tending to zero तो delta y upon delta x where delta x is very small then इसको हम represent करते हैं as dy by dx. okay अगर हम limit delta x tending to zero symbol हटा दे तो delta y upon delta x इसका approximately value जो होता है उसको हम लिखते हैं dy by dx and therefore delta y. अब हम approximation का symbol नहीं करते इधर equal to कर देते हैं तो delta y is equal to dy by dx into delta x. This one is called change in y and this one is change in x और ये है dy by dx. बराबर ये जो हमने लिखा है वो क्या है approximately है. बराबर this one is approximately. ये हम error find करने के लिए use करेंगे. जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं error in calculation of x the error is delta x then the calculation of fx occurred error delta y is approximately f dash x into delta x. f dash x means हम dy by dx use कर सकते हैं. so error in y is equal to dy by dx into delta x where delta x is error in x. ये error के लिए है. इसी को अगर हम जो फंक्शन का डेरिवेटिव हम कर रहे थे उस टाइम हम कुछ ऐसे लिखते थे कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स. इसको हम क्या लिखते हैं f dash x differentiation of the function. अब denominator में x and minus x को cancel कर लेते हैं. limit delta x tending to zero को अगर हम हटा लेते हैं तो इसको हम लिख देंगे f of x plus delta x minus f x upon delta x is equal to f dash x. this one is also approximately and therefore f of x plus delta x minus f of x is equal to delta x into f dash x and therefore f of x plus delta x is equal to f of x plus delta x into f dash x. ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं टू फाइंड एप्रोक्सीमेट वैल्यू. बराबर जैसे कि यहाँ पर है y equal to fx be a function of x and let delta x be change in x corresponding change in y is suppose delta y तो y plus delta y इसी को हम f of x zero plus delta x बोलते हैं जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग में हम ऑलरेडी देख चुके हैं. सो f of x zero plus delta x यहाँ पर मैंने x लिखा है तो f of x0 plus delta x is actually what f of x0 plus f dash x0 into delta x. ये जो formula है इसका हम use करते हैं to find approximate value. जैसे कि हमें 25 इसका square root
ऑलरेडी पता है 5. अगर हम हमें क्वेश्चन किया गया कि फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 24.9, तो ये वैल्यू फाइंड करने के लिए हम अप्रोक्सीमेशन के लिए ये फॉर्मूला जो है इसका यूज करते हैं, बराबर. अब देखते हैं ये जो फॉर्मूला हमने दो डिराइव की है, दिस वन इज एरर इन वाई इज इक्वल टू डिवाइड बाय डीएक्स इनटू एरर इन एक्स एंड अप्रोक्सीमेशन से रिलेटेड क्वेश्चन. तो सिंपल सा टॉपिक है. अब एग्जांपल नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं. यूज डिफरेंशियल टू अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट 36.6. मींस हमें स्क्वायर रूट ऑफ 36.6 ये वैल्यू फाइंड करना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू. तो इसके लिए हमें क्वेश्चन के लिए फंक्शन चाहिए. तो एक्चुअली यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 36.6 मींस हमारे लिए फंक्शन है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, बराबर. नंबर तो चेंज हो सकता है. तो हमें एक्चुअली फाइंड क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है ऑफ 36.6. तो एफ एक्स इज रूट एक्स. ओके, आफ्टर दैट कौन से नंबर का आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, जो नंबर का स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना है उसको बोलते हैं एक्स जीरो प्लस डेल्टा एक्स. जो नंबर आपको दिया गया है और जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है उसको आपको एक्स जीरो प्लस डेल्टा एक्स बोलना है. तो एक्स जीरो प्लस डेल्टा एक्स इज 36.6. आफ्टर दैट 36.6 के नियर में ऐसा नंबर जिनका स्क्वायर रूट आप जानते हैं, बराबर, इसको हम बोलते हैं x0. 36.6 के नियर में ऐसा नंबर जिनका स्क्वायर रूट आप ऑलरेडी जानते हैं उसको हम x0 बोलते हैं. तो x0 यहां पर कितना हो जाएगा, 36. और जैसे ही आप x0 का वैल्यू फाइंड कर लेंगे आपको डेल्टा x भी मिल जाएगा, बराबर. x0 का वैल्यू 36 यहां पर पुट कर लेंगे तो आपको डेल्टा x का वैल्यू मिल जाएगा 0.6. ये तो हमें क्वेश्चन के जो क्वेश्चन दिया था वहां से हमने इंफॉर्मेशन निकाली कि एक तो हमें फाइंड क्या करना है, स्क्वायर रूट. तो एफ एक्स इज रूट एक्स, जो गिवन नंबर है उसको एक्स जीरो प्लस डेल्टा एक्स बोल देना है. अगर आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो गिवन नंबर के नियर में ऐसी वैल्यू जिनका स्क्वायर रूट आप जानते हैं वो एक्स जीरो एंड देन डेल्टा एक्स फाइंड कर लेना है. अब एफ एक्स अगर आपको पता चल जाए तो उसके बाद आपको फाइंड कर लेना है डिफ्रेंशिएशन. तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2√x और फिर आपको फॉर्मूला यूज करना है. तो फॉर्मूला है एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स जीरो. अब ये एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको यूज करते रहना है. अब जो जो हमने ऊपर लिखा है वो वैल्यू पुट कर लेते हैं. तो ये हो गया x0 plus delta x का वैल्यू 36.6, f of x0, x0 हमने लिखा है 36, delta x का वैल्यू 0.6 है and f dash x0 means 36. fx क्या था, root x. तो f of 36.6 means square root of 36.6 is equal to f 36. तो fx root x है, तो f 36 हो गया square root of 36. 0.6 है जिसको आप लिख सकते हैं 6/10. f डैश 36, तो देखो आपने f डैश x ऑलरेडी फाइंड करके रखा है. ओके, तो यहाँ पर आप x की प्लेस पर 36 यूज कर लो तो 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 36. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है तो सबसे पहले तो 36 का स्क्वायर रूट ये हो गया 6 प्लस 6/10 इंटू 1/2 square root of 36, ये हो गया 6, 6 यहाँ से cancel हो गया, 6 plus 1/20 है, तो 1/20 इनका value होता है 0.05, जो आप आसानी से calculator से भी कर सकते हैं, तो हमें value मिल चुका है 6.05, this one is square root of 36.6, approximate value, बराबर. ये जो भी हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है. सो दिस वन इज अप्रोक्सीमेटली 6.05, या तो फिर आप इक्वल साइन कर दे तो लास्ट में अप्रोक्सीमेट लिख देना है.
ओके नाउ नंबर 22, बट बिफोर दैट इनको क्लीन कर लेते हैं. यूज डिफरेंशियल टू अप्रोक्सीमेट 25:1/3. तो हमें फाइंड करना है 25 का 1/3 पावर. हमारे लिए मेन चीज है व्हाट इज एफ एक्स. तो हमें 25 का 1/3 पावर फाइंड करना है. अब यहाँ पर 25 की प्लेस पर 26 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है. तो फंक्शन क्या है, हमें फाइंड करना है क्यूब रूट ऑफ द नंबर, दैट इज एफ एक्स इज एक्स रेस टू 1/3. मेन चीज यहाँ पर यह है कि आप फंक्शन डिसाइड कर लो. तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स रेस टू 1/3. आफ्टर दैट जो गिवन नंबर है जिसका क्यूब रूट आप फाइंड करना चाहते हैं उसको x0 प्लस डेल्टा x बोलते हैं. तो ये हो गया 25. अब 25 के नियर में ऐसा नंबर जिनका क्यूब रूट ऑलरेडी आप जानते हैं, तो 25 के नियर में ऐसा नंबर जिनका क्यूब रूट आप जानते हैं वो है 27. तो जैसे ही आपको x0 पता चलेगा डेल्टा x भी मिल जाएगा. यहाँ पर आप 27 यूज करेंगे तो डेल्टा x मिल जाएगा आपको -2. ये तो हमने क्वेश्चन से पूरा इंफॉर्मेशन निकाला. अब आएगा एफ डैश एक्स. तो एक्स रेस टू 1/3 इनका डिफरेंशिएशन होता है 1/3 एक्स रेस टू 1/3 -1 दैट इज -2/3. और फिर फॉर्मूला, तो एफ ऑफ x0 प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ x0 प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश x0. एफ ऑफ x0 प्लस डेल्टा एक्स वो कितना था 25. बराबर एफ ऑफ x0 वो हमने लिखा है 27, डेल्टा एक्स का वैल्यू -2, एफ डैश x0 हमने लिखा है 27. ओके अब एफ एक्स क्या था, एक्स रेस टू 1/3. तो एफ ऑफ 25, तो 25 का 1/3 पावर इज इक्वल टू एफ ऑफ 27 मींस 27 रेस टू 1/3 -2 एफ डैश 27. तो एफ डैश 27 मींस 1/3 27 रेस टू -2/3. अब 27 का 1/3 पावर तो ये हो गया 3³, और फिर उसका 1/3 पावर, यहाँ पर से हम 3 कैंसिल कर सकते हैं, -2 इंटू 1/3 दैट इज 2/3. यहाँ पर भी 27 है तो 3³, और फिर उसका -2/3 पावर, ये भी 3 कैंसिल हो गया. तो 3 का 1 पावर बचा है, मीन्स ये हो गया 3 -2/3 3 रेस टू -2 पावर. तो 3 रेस टू -2 पावर मीन्स 1/3² एंड 1/3² ये हो जाता है 9. बराबर 3 का स्क्वायर बट डिनोमिनेटर में. अब इसका वैल्यू आपको निकाल देना है, तो ये हो जाएगा 3 -2/27. अब ये सब आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो मैं डायरेक्टली वैल्यू यूज करूंगा -2/27. इसका अप्रोक्सीमेट मतलब इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 0.074. 3 में से सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो मिल जाएगा 2.926. मीन्स 25 raised to 1/3 पावर इज इक्वल टू 2.926 अप्रोक्सीमेटली. ओके ऐसे हमें बस अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना है. एक सिंपल सा फॉर्मूला है और डिफरेंशिएशन करके डिसाइड करना है. नेक्स्ट वन इज एग्जांपल नंबर 23. फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ 3.02. तो हमें फंक्शन का वैल्यू फाइंड करना है एट 3.02. यहाँ पर तो सबसे अच्छा है फंक्शन भी फॉर्मूला दे दिया हुआ है. एफ एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस 5x प्लस 3. तो जिसका वैल्यू हमें फाइंड करना है उसको हम x0 प्लस डेल्टा x बोल देते हैं 3.02. ओके अब हमारे पास x0 प्लस डेल्टा x 3.02 है. अगर हम x0 इक्वल टू 3 सिलेक्ट कर लेते हैं तो f ऑफ 3 हम इजीली फाइंड कर सकते हैं. तो x0 इक्वल टू 3
तो डेल्टा एक्स हो जाएगा 0.02 एफ एक्स, तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 6x+5 एंड देन फॉर्मूला एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स जीरो, जो भी वैल्यू है आपके पास वो सब अंदर रखते जाओ। अब एफ ऑफ 3.02 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3 डेल्टा एक्स 0.02 इंटू एफ डैश एक्स जीरो मतलब 3। अब एफ ऑफ 3.02 उसको एज इट इज रखेंगे हम, बराबर, क्योंकि वही फाइंड करना है हमें एफ ऑफ 3। तो एफ ऑफ 3 ये हमारे लिए है फंक्शन, तो एफ ऑफ 3 कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 स्क्वायर देन प्लस 5 इंटू 3 प्लस 2, ये एफ ऑफ 3 प्लस 0.02 एफ डैश 3। तो एफ डैश 3 मतलब 6 × 3 प्लस 5, अब ये जो 3 × 3² 27 प्लस 5 × 3 = 15 प्लस 2, ये सब अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो इसका वैल्यू होता है 45, बराबर। ये सभी वैल्यू में डायरेक्टली ही लिख रहा हूँ, दिस वन इज 6 × 3 18 प्लस 5 18 + 5 = 23 23 × 0.02 = 0.46, तो आपका वैल्यू हो चुका है 45 या तो 45.46। ओके, सो एफ ऑफ 3.02 इज इक्वल टू 45.46 approximately। ओके, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, वो लर्न करके आपको फॉर्मूला इक्वेशन करते रहने हैं। एग्जाम्पल नंबर 24, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम v ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड x मीटर्स कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग द साइड बाय 2%। ओके, तो ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो अप्रोक्सीमेशन में हम करते हैं, एक तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू एंड सेकंड होता है एरर टाइप के। तो सबसे पहले हमें वॉल्यूम में चेंज फाइंड करना है, वॉल्यूम में चेंज तो वो हो गया डेल्टा वी जो हमें फाइंड करना है, और ये है क्यूब के लिए और उसका जो साइड है वो एक्स दिया गया है, तो डेल्टा वी हमें फाइंड करना है। वॉल्यूम फॉर अ क्यूब वो होता है एक्स क्यूब, तो वी इक्वल टू एक्स क्यूब है, हमें फाइंड करना है अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम, तो हम लिख देंगे डेल्टा वी इज इक्वल टू डीवी बाय डीएक्स, बिकॉज वॉल्यूम में चेंज हो रहा है ड्यू टू चेंज इन एक्स, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू डीवी बाय डीएक्स इनटू डेल्टा एक्स, जहां पर आपको इंक्रीजिंग द साइड बाय 2% ये दिया हुआ है, तो डेल्टा एक्स क्या है 2%, बराबर 2% इन एक्स है, यहाँ से हम परसेंटेज को हटा देते हैं तो ये हो जाएगा 2/100 इंटू एक्स। अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा, डेल्टा वी हमें फाइंड करना है, वॉल्यूम एंड एक्स जो साइड है उसके बीच में रिलेशन लेना है हमें, डेल्टा एक्स एरर इन एक्स ऑलरेडी आपको दिया गया है या तो चेंज इन एक्स इज गिवन, हमें फाइंड करना है चेंज इन वॉल्यूम, तो डीवी बाय डीएक्स दैट इज डी बाय डीएक्स ऑफ v x क्यूब डेल्टा x 2x/100 है, x क्यूब इसका डिफरेंशिएशन 3x² होगा इनटू 2x/100, तो इसको लिख सकते हैं आप 3 × 2 = 6/100 x² एंड x अगेन x क्यूब। अब यहां पर हमें एज चेंज इन x परसेंटेज में दिया था, तो हम डेल्टा भी चेंज इन वॉल्यूम भी परसेंटेज में फाइंड कर लेंगे, तो देखो 6/100 है, x क्यूब को आप लिख सकते हैं v वॉल्यूम, बराबर, तो 6/100 इनटू v जिसको लिख सकते हैं हम 6% इन v, बराबर, तो चेंज इन
वॉल्यूम इज 6%। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, जो अप्रोक्सीमेट चेंज करने के क्वेश्चन आते हैं वो। नेक्स्ट पे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 25। एंड एग्जाम्पल नंबर 25 में इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज मेजर्ड एज 9 सेंटीमीटर विथ एरर ऑफ 0.03। ओके, तो हमें रेडियस जो एक्चुअली दिया है यहाँ पर मेजर्ड एज 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर मेजर किया है, बट इसमें एरर है, तो डेल्टा आर एरर इन रेडियस इज गिवन 0.03। अब अगर रेडियस में एरर है तो हमें फाइंड करना है अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम, बराबर, क्योंकि ये स्फीयर है, तो स्फीयर इसका वॉल्यूम का जो हम फॉर्मूला लिखते हैं 4π/3 r³। अब अगर रेडियस में एरर है तो डेफिनेटली वॉल्यूम में भी एरर होगी, और वो एरर हमें फाइंड करना है, तो वी डिपेंड ऑन आर, सो वी राइट डेल्टा वी दैट इज एरर इन वॉल्यूम इज इक्वल टू dv/dr, बिकॉज वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है रेडियस पर, तो dv/dr उसका डिफरेंशिएशन कर लेना है विद रिस्पेक्ट टू आर, और इनटू डेल्टा आर दैट इज एरर इन रेडियस। अब dv/dr ऑफ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला 4π/3 r³, और डेल्टा आर वो हमें दिया गया है 0.03। यहाँ से 4π/3 कांस्टेंट है, आर क्यूब का डिफरेंशिएशन हो गया 3 r² इंटू 0.03, जिसको आप लिख सकते हैं 3/100, 3 कैंसिल आउट हो चुका है, 4π, हम पाई को एज इज रखेंगे, पाई का वैल्यू यूज नहीं करेंगे, आर का वैल्यू देखो आपको दिया गया है 9, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 9² इंटू 3/100। अब इसका जो भी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है वो, तो 9 का स्क्वायर ये हो जाएगा 81 इंटू 3 दैट इज 243 इंटू 4, वो सब मिला के 972π/100, सो इट इज 9.72π cm³, क्योंकि यहाँ पर हमें जो यूनिट दिया था वो सेंटीमीटर था, बराबर, तो अप्रोक्सीमेट एरर हमने फाइंड कर ली है, सो अप्रोक्सीमेट एरर इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 9.72π cm³। ये होते हैं एरर टाइप क्वेश्चन। तो हमें दो टाइप के क्वेश्चन करने हैं, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू एंड सेकेंड अप्रोक्सीमेट एरर। ओके, अब चलते हैं एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 6.4, यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ईच ऑफ फॉलोइंग अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट स्क्वायर रूट 25.3, हमें जो भी अप्रोक्सीमेशन फाइंड करना है वो अप टू 3 प्लेस फाइंड करना है। ओके, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25.3, सबसे पहले हमें फाइंड करना है स्क्वायर रूट, तो हम लिख देते हैं एफ एक्स क्या है, रूट एक्स, जिसका स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना है वो है x0 + δx, तो x0 + δx ये हो गया 25.3। नाउ एफ एक्स इज रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2√x। 25.3 के नियर में ऐसा नंबर जिनका स्क्वायर रूट आप जानते हैं वो है 25, एंड देन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0.3, वो आप एक्स जीरो का वैल्यू रखेंगे तो डेल्टा एक्स ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली मीन थोड़ा कैलकुलेशन करने के बाद। अब हमारा जो फॉर्मूला है अप्रोक्सीमेट वैल्यू का, एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस डेल्टा एक्स इन टू एफ डैश एक्स जीरो, वैल्यू आप यूज करने लगो तो ये है 25.3, एफ ऑफ एक्स जीरो मतलब 25, डेल्टा एक्स मतलब 0.3, एफ डैश एक्स जीरो मीन्स 25, सो दिस वन इज स्क्वायर रूट ऑफ 25.3,
f of 25, so square root of 25, 0.3, 3 by 10 into f dash 25, तो f dash 25 हो जाएगा 1 upon 2 square root of 25 बराबर, ये हमारे पास f dash x का फॉर्मूला है. 25 का square root 5 plus 3 by 10 into this one is square root of 25, 5 into 2, 10, तो ये हो गया 1 upon 10, so it is 5 plus 3 by 100, so it is 0.03, तो यहाँ तो हमें वैल्यू मिल चुका है 5.03. ये हमारा फर्स्ट वन कंप्लीट. नाउ नंबर टू इज फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 49.5, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू. तो नंबर टू के लिए स्क्वायर रूट ऑफ 49.5 एफ एक्स फाइंड क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर. तो एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स, कौन से नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो वो होता है x0 प्लस डेल्टा x, मतलब कि 49.5. अब यहाँ से हम x0 कितना लेंगे, 49, क्योंकि 49.5 के नियर में 49 है जिसका स्क्वायर रूट हम फाइंड कर सकते हैं, या तो हमें पहले से पता है. डेल्टा x इज इक्वल टू 0.5, सो f ऑफ x0 प्लस डेल्टा x, यहाँ पर एक चीज रह गया हमारा f डैश x, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स. एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस डेल्टा एक्स फॉर्मूला, एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स जीरो. एफ ऑफ वैल्यू पुट कर देना है 49.5, दिस वन इज एफ ऑफ एक्स जीरो 49, डेल्टा एक्स 0.5, एफ डैश एक्स जीरो मतलब 49. This one is square root of 49.5, f 49 मतलब square root of 49, 0.5, 5 upon 10, f dash 49, f dash 49 1 upon 2 under root 49, चलो square root of 49 ये हो गया 7 plus 5 upon 10 है, इसको 1 upon 2 कर सकते हैं. तो ये 1 अपॉन 2 इनटू अगेन 2 एंड 49, इनका स्क्वायर रूट हो गया 7. अब यहाँ से जो भी वैल्यू मिलता है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग कैलकुलेटर. तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख दूंगा 0.036. सो आवर अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज 7.036. ओके, तो स्क्वायर रूट ऑफ 49.5 इज 7.036 अप्रोक्सीमेटली. तो ये जो फॉर्मूला है वो बहुत यूजफुल है, जैसे कि साइन 61 डिग्री, हम साइन 60 डिग्री तो जानते हैं, अगर साइन 61 डिग्री का अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करते हैं करना है और हमारे पास नेचुरल साइन का टेबल नहीं है तो भी हम अप्रोक्सीमेटली वैल्यू तो फाइंड कर सकते हैं बराबर. तो ये यूजफुल फॉर्मूला है टू फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन, अगर उसके नियर में कोई वैल्यू आप जानते हैं तो. ओके, अब हमने यहाँ पर दो ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए. नंबर थ्री बिल्कुल उसी टाइप का है, स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है 0.6 का. तो यहाँ पर सिर्फ मैं आपको एक्स जीरो प्लस डेल्टा एक्स बता देता हूँ. ये जो है 0.6 है, 0.6 के नियर में ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट आप डायरेक्टली जानते हैं, तो 0.6 को आप लिख सकते हैं 0.60. यहां से आपको आइडिया आ जाएगा कि हमें x0 प्लस डेल्टा x क्या लेना चाहिए बराबर. 0.6 को हमने 0.60 लिख दिया, इसका सीधा मतलब है कि भाई x0 प्लस डेल्टा x ये तो होगा जाएगा 0.60. अब 0.60 के नियर में ऐसा नंबर जिनका स्क्वायर रूट ऑलरेडी आप जानते हैं वो कौन है, 0.64, एंड देयरफॉर आपको डेल्टा एक्स भी मिल जाएगा माइनस 0.04. अब ऑलरेडी हम स्क्वायर रूट टाइप के दो क्वेश्चन कर चुके हैं, फिर भी मैंने एक्स जीरो डेल्टा एक्स, एक्स जीरो प्लस डेल्टा एक्स
वो सभी यहाँ पर लिख दिया है, बाकी का कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं। अब करते हैं नेक्स्ट वन, एंड इट इज 0.009 raised to 1/3 power। ओके, तो ये हमारे लिए फोर्थ नंबर है, 0.009, और उसका फाइंड करना है क्यूब रूट। तो क्यूब रूट फाइंड करना है, मीन्स एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू 1/3। जिस नंबर का हमें क्यूब रूट फाइंड करना है वो होता है एक्स जीरो प्लस डेल्टा एक्स, इट इज 0.009। अब 0.009 के नियर में ऐसा नंबर जिनका क्यूब रूट ऑलरेडी हम जानते हैं, तो 9 के नियर होता है 8, बराबर, जिसका क्यूब रूट हम जानते हैं, ये 0.00 का भी काम हो जाएगा। तो x0 हम लेंगे 0.008, जिसको आप लिख सकते हैं 8/1000। अब आप समझ जाएंगे कि 8 का क्यूब रूट हो जाएगा 2 और 1000 का क्यूब रूट हो जाएगा 10। तो ये इजीली हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है x0। अब यहाँ से हम डेल्टा x भी लिख सकते हैं, और डेल्टा x हमारे लिए कितना हो जाएगा, तो डेल्टा x हो जाएगा 0.001। x0 जैसे ही पता चल जाता है, डेल्टा x, अगर आप x0 का वैल्यू अंदर रखेंगे तो डेल्टा x भी मिल जाएगा। अब fx is x raised to 1/3, तो f dash x 1/3, x raised to 1/3 minus 1, ये हो गया -2/3। फॉर्मूला यूज कर लो, एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स जीरो, एक्स जीरो प्लस डेल्टा एक्स 0.009, एफ ऑफ एक्स जीरो 0.008, डेल्टा एक्स इज 0.001 into f dash x0 is 0.008। okay, जो हमारा function का formula है वो cube root है, तो 0.009 इसका 1/3 power, ये जो 0.008 है इसको मैं 8/1000 लिख देता हूँ, जैसे मैं फटाक से इनका cube root लिख दू, plus 0.001 है, चलो इसको लिख देते हैं 1/1000। f डैश, तो f डैश हो गया 1/3, 8/1000, उसका -2/3 power, बराबर, ये f डैश x का फॉर्मूला है हमारे लिए, -2/3। ओके, तो लेफ्ट साइड को हमारा कंटिन्यू रहेगा, बराबर, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली इक्वल का साइन लिख रहा हूँ, 8/1000 उसका 1/3 power, तो 8 क्या था, 2/3 power, एंड 1000 दैट इज 10³, तो 3 power, और यहाँ पर 1/3 power है, तो ये हो गया 2/10, देन प्लस 1/1000 इंटू 1/3, ये 8/1000, इसका क्यूब रूट ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 2/10, बराबर, तो 2/10, और फिर उसका -2 power है। यहाँ पर हमने ऐसे किया है कि भाई 2 इसका 3 power, डिनोमिनेटर में 10 का क्यूब, और फिर इनका -2/3 power था, तो मैंने 3 यहाँ से ये कैंसिल आउट कर लिया, तो 2 का -2 एंड 10 का -2 अभी भी यहाँ पर बाकी है, 2/10 प्लस 1/1000 इंटू 1/3, 2/10 इसका -2 power, मीन्स 10 का स्क्वायर 100, बराबर, क्योंकि 10 का -2 power तो न्यूमरेटर में हो जाएगा 10 का स्क्वायर, एंड 2 का -2 power तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पर से जो भी आप थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं वो, तो 2/10 ये हो गया 0.2, और ये जो बाकी का कैलकुलेशन है वो आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा 0.008। तो ये दोनों का एडिशन 0.208, एंड देयरफॉर 0.009 इनका क्यूब रूट
अप्रोक्सीमेटली 0.208 हो गया. बराबर, दिस वन इज अप्रोक्सीमेटली वैल्यू. नेक्स्ट वन इज 0.999 raised to 1/10 power. ओके, दिस वन इज नंबर 5. तो 0.999 इनका 1/10 power. एफ एक्स क्या है तो हमें फाइंड करना है नंबर का 1/10 power. तो एक्स इज टू 1/10, देन एक्स जीरो प्लस डेल्टा एक्स. जिस नंबर का हमें 1/10 फाइंड करने के लिए बोला गया है वो है 0.999. ओके, अब यहाँ पर x0 क्या होगा, तो 0.999 इसके नियर में ऐसा नंबर जिसका 1/10 power क्या मतलब डायरेक्टली हम जानते हैं. तो ये नंबर ऑटोमेटिकली दिखा रहा है कि ये टेंडिंग टू 1 है. बराबर, 1 के नज़दीक है. तो x0 हम क्या लेंगे, 1 है. तो फिर डेल्टा x हमें मिल जाएगा -0.001. एफ एक्स x is to 1/10 है तो f dash x 1/10. x is to 1/10 - 1, that is -9/10. And then formula f of x0 plus delta x is equal to f of x0 plus delta x into f dash of x0. I think at least formula तो learn हो ही जाएगी इतने question करने के बाद. एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस डेल्टा एक्स ये हो गया. एफ ऑफ एक्स जीरो मतलब कि 1, डेल्टा एक्स का वैल्यू -0.001, एफ डैश एक्स जीरो 1, ये हो जाएगा 0.999 इनका 1/10. एफ ऑफ 1 मीन्स 1 का 1/10 power -0.001. इनको कंटिन्यू करते हैं. f डैश 1, तो f डैश 1 1/10 1 raised to -9/10. ओके, सो 0.999 raised to 1/10 power इज इक्वल टू 1 raised to 1/10, दैट इज 1 माइनस 0.001, इसको लिख सकते हैं 1/1000 इंटू 1/10, एंड देन 1 raised to -9/10 इनका वैल्यू तो 1 हो जाएगा. सो दिस वन इज 1 - 1/10,000, दैट इज 0.1234, मतलब 1 आएगा यहाँ पर. तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0.9999. सो 0.999 इनका 1/10 power का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.9999 होता है. ओके, दिस वन इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू. ओके, नाउ नेक्स्ट वन is 15 raised to 1/4 power. 6, 15 इसका 1/4 power. तो जो हमें नंबर दिया गया है वो है 15 और उसका फाइंड करना है 1/4 power. तो x0 plus delta x 15 हो गया, हमें फाइंड करना है 1/4 power. तो fx हो गया x raised to 1/4. अब 15 के नियर में ऐसा नंबर जिनका 1/4 power हम जानते हैं वो है 16. तो डेल्टा एक्स हमारे लिए हो जाएगा -1. बराबर, हम 16 रखेंगे तो डेल्टा एक्स 15 - 16 मतलब -1 हो जाएगा. अब एफ एक्स है तो इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स 1/4, एक्स रिश टू 1/4 - 1, दैट इज -3/4. एफ ऑफ x0 plus delta x is equal to f of x0 plus delta x into f dash of x0.
f of x0 plus delta x 15 है, f of x0 16, delta x है -1, f dash x0 है 16, f of 15 मतलब 15 का 1/4 पावर, f 16 तो 16 का 1/4 पावर -1, f dash 16 तो 1/4, 16 का -3/4 पावर. ओके, तो 15 रेस टू 1/4 इज इक्वल टू 16, मतलब होता है 2 रेस टू 4, फिर उनका 1/4 पावर माइनस 1 × 1/4, 1/4, 16 मतलब 2 रेस टू 4 है, और फिर उनका -3/4 पावर. चलो 4 यहाँ पर कैंसिल आउट, तो 2 रेस टू 1 मतलब 2 माइनस 1/4, एंड 2 का -3 पावर है, तो 2 का -3 पावर मींस डिनोमिनेटर में 2 का क्यूब है, सो इट इज 2 माइनस 1/2 क्यूब, इट इज 8 × 4 = 32, तो 2 माइनस 1/32. अब यहां से 1/32 इसका वैल्यू होता है 0.031. ये सभी वैल्यू आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं बराबर, तो मैं भी डायरेक्टली वैसे ही कर रहा हूँ, कोई मैजिकल ट्रिक नहीं है कि मैं फटाक से वैल्यू लिख रहा हूँ. ओके, दिस वन इज 1.969 अप्रोक्सीमेटली. 7 नंबर 26 रेस टू 1/3 पावर बराबर, तो ये है हमारे लिए नंबर 7, 26 इसका 1/3 पावर, एफ एक्स हमें फाइंड करना है 26 का 1/3, तो एफ एक्स हो गया एक्स का 1/3 पावर. जिस नंबर का आपको 1/3 फाइंड करना है वो है एक्स जीरो प्लस डेल्टा एक्स, तो हमारे लिए 26 के नियर में ऐसा नंबर जिनका क्यूब रूट हम जानते हैं वो है 27, इसका मतलब डेल्टा एक्स हो गया -1, एफ एक्स है तो एफ डैश एक्स फाइंड कर लेते हैं 1/3, एक्स रेस टू 1/3 -1 -2/3, फॉर्मूला एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स जीरो बराबर. ये कम से कम हम 8-9 टाइम फॉर्मूला लिख चुके हैं अब तक. 26, 27 डेल्टा एक्स -1 एफ डैश एक्स जीरो मतलब 27, ये हो गया 26 का 1/3 पावर, एफ ऑफ 27 तो 27 का 1/3 -1 एफ डैश 27 तो 1/3, 27 का -2/3 पावर, 27 का 1/3 पावर ये हो गया 3 -1/3, 27 का -2/3 पावर ये हो जाएगा 3 का -2 पावर, ये आप कर सकते हैं. सो दिस वन इज 3 -1/3 का -2 पावर, दैट इज 1/3 स्क्वायर, 9 × 3 27, तो 3 -1/27 इट इज 3 -0.037, और ये दोनों का सब्सट्रैक्शन हो जाएगा 2.963. नेक्स्ट वन नंबर 8 एंड इट इज 255 रेस टू 1/4 पावर, तो 255 रेस टू 1/4 x0 plus delta x होगा 255, देन एफ एक्स फाइंड क्या करना है 1/4 पावर, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू 1/4. अब 255 के नियर में ऐसा नंबर जिनका 1/4 पावर आप जानते हैं वो है 256, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा डेल्टा एक्स. अब डेल्टा एक्स का वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगा -1, एफ एक्स है तो एफ डैश एक्स हम फाइंड कर सकते हैं, एफ डैश एक्स 1/4 x रेस टू 1/4 -1 -3/4,
एक और बार फॉर्मूला, एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स जीरो। एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस डेल्टा एक्स 255, एफ ऑफ एक्स जीरो मतलब 256, डेल्टा एक्स मतलब -1, एफ डैश एक्स जीरो मतलब 256। यहाँ पर हो जाएगा 255 का 1/4 पावर, ये हो गया 256 का 1/4 पावर -1 इंटू एफ डैश 1/4, 256 का -3/4 पावर। अब 256 है, ये 4 का 4 पावर है और उनका 1/4 पावर, देन -1/4, दिस वन इज 4 रेज टू 4 पावर और फिर उनका -3/4 पावर। 4 4 कैंसिल, यहाँ से भी 4 4 कैंसिल, ये हो गया 4 -1/4, 4 का -3 पावर। तो 4 का -3 पावर मीन्स डिनोमिनेटर में तो 4 का क्यूब हो जाएगा। ओके, तो दिस वन इज, अब इनका वैल्यू हमें चाहिए, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 - 4 का क्यूब इंटू 4, 4 रेज टू 4 पावर, 4 रेज टू 4 पावर मीन्स 256। ओके, तो 1/256, 1/256 इनका वैल्यू 0.004 होता है और सब्ट्रैक्शन करने के बाद आपको मिल जाएगा 3.996। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे लिए 82 रेज टू 1/4 पावर। देखो, हमने 8 किया है 255 का 1/4, नेक्स्ट हमें दिया है 82 का 1/4 पावर, तो सिर्फ डिजिट चेंज किया है, तो नंबर 9 के लिए सिर्फ मैं एक्स जीरो एंड डेल्टा एक्स की वैल्यू फाइंड करूंगा, बराबर, बाकी का कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं। एक्स जीरो प्लस डेल्टा एक्स कितना है, 82। एक्स जीरो हम कितना लेंगे, 81, क्योंकि 81 का 1/4 पावर हम जानते हैं। डेल्टा एक्स यहाँ पर हो जाएगा हमारे लिए 1, और बाकी का यहाँ पर एफ एक्स, तो एफ एक्स है एक्स रेज टू 1/4 पावर, यही एफ एक्स है, तो एफ एच एक्स ये होगा। फिर आप अप्रोक्सीमेटली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 82 का 1/4 पावर का। ओके,